उससे रूबरू करवाने वाले हैं। ओवरलोड चलाना गुनाह है, अनलीगल है। कॉम्बिनेशन रखना है कि आप खुद अपने आंखों से देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों बनाया जा रहा है नया ब्रिज को फिर से। तो ओवरलोड के कारण जो ब्रिज है वो डैमेज हो जाए, बिहार में जो है ब्रिज का कमी के कारण ब्रिज ये भी डैमेज हो चुका है। भाई साहब मुझे भी डर लग रहा है, भाई देख रहे होंगे कितना ज्यादा ट्रक यहाँ पे चल रही है। ऐसे आम पब्लिक जो है बाइक फुटपाथ पे भी चढ़े, उस पे से उतार के जो है रिस्क लेके इस जगह गड्ढा इतना बड़ा हो गया है कि अगर कंफर्म है कि एक्सीडेंट होना ही होना है। ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? होप करते हैं गाइस कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। सो गाइस फिर से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए अपडेट के साथ। सो गाइस टाइम हो चुका है 5:40, तो सभी को गुड मॉर्निंग दिल से। तो गाइस आज जो है, आज विक्रमशिला सेतु जो है उसका ही अपडेट आज आप लोगों को देखने को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को कम आएगा तो थोड़ा सा मैनेज करें। तो गाइस अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम जीरो माइल जो भागलपुर 0 माइल 96 की ओर, सिलीगुड़ी की ओर जो जाती है वहाँ पे अभी खड़े हैं। वीर कुंवर सिंह चौक है जो कि 96 और सिलीगुड़ी असम की रोड जो NH 31 है उसे जोड़ा जाता है। और अभी जो हम जिस समय खड़े हैं तो यहाँ 0 माइल भी और NH 80 को भी जोड़ा बीच के ऊपर, और बीच का जो कंडीशन है वो आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग चल चुके हैं सेतु की ओर, विक्रमशिला सेतु जो है पुराना वाला, उस पर आज हम आप लोगों को प्रॉब्लम जो आती है उससे रूबरू करवाने वाले हैं गाइस आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और आप लोग अभी देखिए वीडियो में कि कितना ज़्यादा ओवरलोड जो गाड़ी है वो चलती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अभी ओवरलोड भी दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा अभी ओवरलोड ब्रिज पे जाती है। प्रशासन तो जो है वो कुछ करती उड़ती है नहीं, सिर्फ बोला जाता है कि भाई ओवरलोड चलाना गुनाह है, अनलीगल है। आप लोगों को हम बता दें कि जो है इस पे ओवरलोड चलती है, तो ब्रिज पे कितना ज़्यादा लोड बढ़ चुका है देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सारा जो है ये सब अभी रुकी हुए है, देख पा रहे होंगे उस साइड भी आप लोगों को दिख जाएगा। सो गाइस अभी जो है जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग में और शाम में ही आने वाला है, और इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताएं भाई। इसी कारण से हम लोग जो है वो मॉर्निंग में ही ब्लॉग करेंगे और जो है शाम में ही करने वाले हैं। नया वाला जो विक्रमशिला सेतु के जस्ट पूर्वी क्षेत्र में बनने वाली है, तो शायद उसका काम भी स्टार्ट है, तो उसी से रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है कि क्यों बनाया जा रहा है नया ब्रिज को फिर से। ब्रिज पे चलते रहेंगे और जो प्रॉब्लम है आप लोग खुद, हम बोलेंगे कि आप खुद अपने आँखों से देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी ब्रिज पे। देख रहे होंगे कैसे कितना ज़्यादा यहाँ पे जाम है, भीड़ है, ट्रैफिक है, जिस कारण से इतना ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। देख पा रहे होंगे आगे आप लोगों को दिख जाएगा कि कितना ओवरलोड है गाइस, इतना कंपनी पास करके नहीं देती है लेकिन फिर भी देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ओवरलोड है। तो ओवरलोड के कारण जो ब्रिज है वो डैमेज हो जाता है, देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा टायर आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर, कितना ज़्यादा टायर जो है वो बैठा हुआ है। तो इसी कारण से ये जो ये भी ब्रिज ये भी डैमेज हो चुका है, देख पा रहे होंगे कंडीशन क्या है ब्रिज का। भाई साहब मुझे भी डर लग रहा है भाई इस ब्रिज पे राइड करने में, पर क्या करें, काम तो काम होता है, आप लोगों को दिखाना भी है। देख पा रहे होंगे एक लाइन से आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा पूरा जो प्रॉब्लम है वो, देख रहे होंगे कितना ज़्यादा ट्रक यहाँ पर चल रही है। तो फुटपाथ जो है आदमी पैदल जाने के लिए वो उसका भी कंडीशन बहुत ही गंभीर है, ख़राब है, देख पा रहे होंगे। बस एक स्पीड यहाँ पे बांध लीजिए, कुछ बोलना वोलना नहीं है भाई, सिर्फ चलना है। देख पा रहे होंगे कैसे आम पब्लिक जो है बाइक फुटपाथ पे भी चलाया जा रहा है, देख रहे होंगे। तो यही सब कारण है जो कि इतना ज़्यादा दिक्कत है। और ये भाई 4 लाइन नहीं है, 1 वे है, इस ब्रिज को क्रॉस कर लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि कभी भी इस ब्रिज पे जाम लग जाती है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ओवरलोड इस ब्रिज पे चल रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रक ओवरलोड चल रही है, अगर ओवरलोड नहीं चलाया जाएगा तो जो ट्रक मालिक है उसका जो बचत है वो भी नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो लोग ओवरलोड चलाता है जिस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। देख रहे होंगे कैसे उस पार से इस पार जो है केला बनाना जो है
क्योंकि नौगछिया साइड जो केला है वो बहुत ही फेमस माना जाता है। फिर एक मुंगेर गंगा ब्रिज है जो फिलहाल इधर ही चालू हुआ है। फिर एक राजेंद्र सेतु है, वो तो भाई बड़ा जो वाहन है उसका तो चलना बंद कर दिया गया है, बड़ा वाला सिर्फ छोटा वाहन ही चल सकती है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कितना ज़्यादा भाई जाम है ब्रिज पे। बस बिहार में जो है ब्रिज का कमी के कारण इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देख पा रहे हो कितना ज़्यादा ओवरलोड जो छर्री है गिट्टी है वो चल रही है। तो ओवरटेक तो करना ही पड़ेगा जब तक ओवरटेक नहीं करेंगे भाई तब तक कोई उपाय है ही नहीं इस ब्रिज पे। तो जहाँ पे भी जगह मिले ऐसे सब जगह पे तो निकल जाए तो बेहतर होता है निकलने में ही। भाई क्रेटा वाला भैया भी बड़ी हैवी ड्राइवर है। ब्रिज का जो ये कमी है तो कमी के कारण इतने ज़्यादा ट्रैफिक लगता है सारा ब्रिज पे। आप लोग को हम बता दें, एक आरा छपरा ब्रिज है, एक जेपी सेतु है, एक गांधी सेतु है और दूसरा जो है ये विक्रमशिला सेतु है। सिर्फ बड़े वाहन को इस पार से देखेगा इसी कैसे आम पब्लिक फुटपाथ से उतार के, ये फुटपाथ है उस पे से उतार के जो है रिक्स लेके इस ब्रिज पे चल के देख पा रहे होंगे जगह जगह गड्ढा इतना बड़ा हो गया है कि अगर भाई टू व्हीलर अगर उस गड्ढा में अगर गिर जाए या घुस जाए तो कंफर्म है कि एक्सीडेंट होना ही होना है। उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी काट ही नहीं सकता है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो चुका है इस ब्रिज। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो मेरे ख्याल से जो पिचिंग का जो मेंटेनेंस है वो बहुत दिन से गाइस नहीं किया गया है। तो ये सारा चीज़ देखते हुए इसके समांतर एक ब्रिज को और बनाया जा रहा है। यही सब कारण जो है जितना कैपेसिटी होता है ब्रिज का उससे ज़्यादा ही लेके जाया जाता है। लेकिन फिर भी देख पा रहे होंगे लाइट का थोड़ा मोड़ा जो मेंटेनेंस है वो किया जा रहा है, पर इसका जो पिचिंग का जो मेंटेनेंस है वो नहीं किया गया है मेरे ख्याल से करीब करीब 2 या 3 साल से। भाई बिहार में 14 चक्का बंद है तो फिर भी जो है 14 चक्का ट्रक वो चल रही है। सो गाइस उस पार में तो आप लोग को वन वे दिख जाएगा, पर इधर जो है इधर फोर वे आप लोग को दिख जाएगा, देख पा रहे होंगे। और ओवरलोडिंग तो आप गाइस देख ही पा रहे होंगे कितना ज़्यादा भाई ओवरलोडिंग लेके जाया जाता है, देख पा रहे होंगे भाई ट्रक का जाम। तो ऐसे ही रैली इस ब्रिज पे 2400 घंटा चलते रहते। तभी विक्रमशिला सेतु का जो प्रॉब्लम आप देखिए कि क्यों इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से करीब करीब जो साहेबगंज जो है करीब करीब 50 किलोमीटर है, तो वहाँ से जो संथाली इलाका से जो छर्री लाया जाता है इस पार की ओर, तो आप अभी देखें कि इतना ज़्यादा ओवरलोड चलती है। तो ओवरलोड चलने के कारण जो है ब्रिज डैमेज हो चुका है। तो इसी के समांतर एक और ब्रिज का जो काम है वो स्टार्ट किया गया है, देख पा रहे होंगे इसका थोड़ा बहुत जो काम है वो अभी स्टार्ट किया गया है ब्रिज का। तो अभी हम बता दें कि ब्रिज का जो एक्चुअल जो काम जो स्टार्ट किया जाएगा तो करीब करीब 1 से 2 महीना या 3 महीना के बाद ही जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो अभी आप देख पा रहे होंगे इधर मेरे साइड देख रहे होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पे जाम लगती है, इधर भी आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, तो होप करते गाइस कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा ही मस्त वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।